रामलाल जी, तू मद्रास तक पहुंच गया? मद्रास तो दूर है, लेकिन भगवान तो दूर नहीं है। उन्होंने सिंगापुर से फ्लू आदमियों के साथ मद्रास भेज दिया, बम्बई आने में क्या देर लगती है? कितने आदमी? 50। हिंदुस्तान में तो 35 करोड़ आदमी बसते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये बीमारी 5 से 50, 50 से 500, 50,000, 50 लाख, 50 करोड़? नहीं नहीं भगवान, मैं लालची नहीं हूँ, मैं तो तेरे दरवाजे का भिखारी हूँ। भगवान, आपने मुझे बुलाया बड़े साहब। हाँ, वो फ्लू की दवाई जो है हमें बहुत ज्यादा मकदार में बनानी है जी। तब तो फैक्ट्री तीनों शिफ्ट चलानी पड़ेगी। तो चलाइए, लेकिन अगर फ्लू की बीमारी इतनी ना फैली तो? लो, एक और नास्तिक आ गया। अरे भाई, तुम अपना काम करने के बजाय भगवान के काम में क्यों दखल देते हो? तुम्हारा काम है दवाई बनाना, बनाओ, फ्लू भगवान ले आएंगे। यस, फ्लू की दवा की 25 लाख पेटियां जा चुकी हैं। 3 दिन में हम सिर्फ 5 लाख पेटियां और बना सकेंगे, जो पूरी नहीं पड़ी। फिर क्या किया जाए? अगर एक नई मशीन और लगा दी जाए। नई मशीन कैसे लग सकती है? जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं होगी कैसे हो सकता है? अरे मीटिंग अभी बुलवा लीजिए, मैं हवाई जहाज से मशीन आने में कितनी देर लगती है? अरे वो बक्सा फ्लू की दवा के साथ चला गया। जी हाँ, हिसाब करके देखा, फ्लू की दवा का एक बक्सा बढ़ गया है और जहर का घट गया है। सत्यानाश, अभी पता लगाइए वो बक्सा कहाँ गया, कैसे गया, किधर गया। वो भी कोशिश किया मगर कुछ पता नहीं चला। अब क्या होगा सर? होगा क्या, फ्लू के जो मरीज इस दवा को खाएंगे दम घुट के मर जाएंगे। अब तक हजारों पेटियां और लाखों बोतलें मुझसे कौन गौरे में पहुंच चुकी होंगी। आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि अखबारों में इशारा दे दूं कि मेरी बोतलें वापस कर दी जाए, ताकि सारे लोग आके मेरा गला दबा दे और फिर इसके बाद इस कंपनी की दवाएं खरीदे। आप मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। फिर क्या किया जाए बड़े साहब? सर किया जाए मेरा, भूल जाइए कि ऐसी पेटी थी कोई। लेकिन अगर उस दवाई से कोई मर गया तो? मुझे बहुत अफसोस होगा, बेचारी दर्द से कर्रा उठती थी, बार बार यही कहती थी कि ये दवा है, ये जहर। ऐसा लगता था उनके सीने में कि जैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जरूर कुछ हुआ, कहिए ना। सिर्फ यही नहीं, फ्लू का ये दौर खत्म होते ही एक नई लहर आने वाली है, इससे भी ज्यादा जोरदार। भगवान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है रामनाथ जी। ये तो सब